शान मोहम्मद, पूरी घटना क्या हुई थी, कितने बजे का मामला है और कितने लोग आपके इस हादसे में? यहाँ से करीबन 30 से 35 लोग गए हैं, उसमें से करीबन 17 लोग खत्म हो चुके हैं। अच्छा, आपके परिवार से कौन कौन है? अब मेरे परिवार से दो भाई और एक बेटा खत्म हो चुका है। आपका बेटा कहाँ गए थे ये कल? ये 40वीं में गए थे। अच्छा, किसका था? हमारी बहन का दतिया साथ खत्म हो गया। हादसा कितने, आपको कैसे पता चला कहाँ हुआ? हमारे पास भाई ने बोला कि भाई ऐसे से एक्सीडेंट हो गया, बोल रहा हूँ, मगर गांव वालों ने मुझे नहीं जाने दिया और ये बोला कि तुम यही रहो, बाकी के सारे लोग पहुंचे इस नंबर पे। मतलब घर पे तुम अकेले रह गए थे? हाँ, मैं ही अकेला रह गया। ये हमारे गांव के ही, हमारे मकान के पास के ये मुस्लिम परिवार है जो अपने बेटी के यहाँ एक 13वीं में शामिल होने के लिए गए थे। 30-32 लोग उनका ये एक टेम्पो लोडर बोलते हैं उसमें गए थे, तो उधर से वापस आ रहे थे, तो वहाँ से हाथरस बाईपास पर इनका एक रोडवेज बस से एक्सीडेंट हो गया है, उनमें इनके 17 लोग खत्म हो गए हैं। बहुत ही दर्दनाक घटना है हमारे क्षेत्र के लिए। अब इनको सुपुर्द खाक किया जाएगा और बाकी जो प्रशासन से मदद है वो उनको 2-2 लाख, मुख्यमंत्री रात को से 2 लाख, प्रधानमंत्री को रात को से मिलने की घोषणा हो गई है इनकी। बाकी घायलों को 50,000 रुपये सरकार द्वारा दिया जा रहा है। अपने पर्चे हो दिए थे? मैं यहाँ इस पंचायत का ग्राम प्रधान हूँ और ये मेरे बिल्कुल पारिवारिक लोग हैं, हमारे पड़ोसी हैं बिल्कुल, ये मृतक हैं, इनका पूरा परिवार बेचारा का नष्ट।